कुरुक्षेत्र के थानेसर के विधायक सुभाष सुधा उस समय एक्शन मोड में नजर आए जब वो थानेसर नगर परिषद का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यही नहीं, खामियां मिलने पर उन्होंने कर्मचारियों अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश भी दिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने के आदेश दे दिए। मैंने कुछ ब्रांचेस चेक करी, आउटेक्स ब्रांच चेक करी, नॉन ड्यूज जहाँ दे रहे हैं वहाँ पे किया, वहाँ पे भी देखा कोई पेंडिंग नहीं था। आउटेक्स ब्रांच में कुछ लोगों से मैं पब्लिक के लोगों से मिला भी, तो उनकी सबकी जो समस्याएं थी उनका भी बैठ के हमने वहाँ हल किया। मैंने अधिकारियों को कहा किसी की वेट नहीं करनी चाहिए, अगर कोई अधिकारी एसी में बैठा है और एक बेचारा आम जनता का आदमी उसके गर्मी में बैठा है तो उसको देखना चाहिए, कम से कम उसके साथ बैठ के चेयर लेके उसका काम करना चाहिए। इसी तरह आज मैंने बहुत ही अच्छा है, बहुत दिनों से आदमी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा। सरकार की तरफ से हम लोगों ने जो प्रपोजल मुख्यमंत्री जी ने रखी थी कि मालिकाना हक देने के लिए दुकानदार का, बहुत खुशी की लहर। वही मानयोग जिला और जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी की तरफ से 11 अगस्त को प्रदेश में विशेष नेशनल लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, जहां मोगा में भी इस अदालत में नॉन कंटेनमेंट केस को छोड़कर सभी केसेस के निपटारे किए जाएंगे। शहरवासियों से अपील है कि इस नेशनल लोक अदालत में केसों का निपटारा किया जाएगा। जो भी केस अदालतों में चल रहे हैं वो अपने केस नेशनल लोक अदालत में लगाकर बिना किसी खर्च अपने केसों का निपटारा करा सकते हैं। जो फीस आपने अदालतों में दी है वो फीस भी आपको वापस मिल जाएगी। वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी के पिता रामपाल ने कहा कि भले ही हम मैच हार गए हैं लेकिन जिस तरह से बेटियों ने प्रदर्शन किया है वो विजयश्री से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटियों का स्वागत वैसे ही होगा जिस तरह से अगर वो पदक जीत कर लाती तब किया जाता। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में कांस्य पदक की लड़ाई लड़ना और वो भी पूरे दमखम से किसी विजयश्री से कम नहीं आंका जा सकता है। वहीं पंचकुला के विकास कार्यों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर एक स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में एचएसवीपी पंचकुला, नगर निगम, हरियाणा रोडवेज, पंचकुला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें कहा गया कि पंचकुला में जो डेवलपमेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो काम चल रहे हैं उन्हें सही समय पर पूरा किया जाए, फिर चाहे वो सेक्टर 23 में बन रहे निफ्ट की बिल्डिंग हो, कई सेक्टर्स या जिले में लगने वाले ट्यूबवेल का काम हो। उन्होंने बताया कि इन सभी कामों के बारे में अधिकारियों को कहा गया है कि ये काम समय से पूरे हो जाने चाहिए। गुप्ता ने बताया कि अभी अगले कुछ समय में पंचकुला में कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने जा रहे हैं जिसकी तैयारी की जा रही है। वहीं अगले कुछ समय में कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे भी होने वाले हैं जिसके चलते लोगों को कई सुविधाएँ मिलने की उम्मीद है। प्रगति बैठक के नाम से कहते हैं, वो प्रगति की मीटिंग हुई है जिसमें यहाँ नगर निगम के, एचएसबीपी के सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारी यहाँ पर थे। कुछ काम जो अगले 10 दिन और 15 दिन के अंदर कंप्लीट होने जा रहे हैं उनका हम अगले हफ्ते के अंदर उद्घाटन कार्यक्रम या जहाँ जहाँ पर भी शुरू होना है उनके शिला पूजन के कार्यक्रम में हमने डेट्स तय की हैं। इस बैठक का मकसद ये है कि जो विकास के कार्य हैं विकास की गति रुके नहीं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम बेशक आज मैच हार गई हो लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचना भी इतिहास है। भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के परिजनों में खुशी भी देखने को मिल रही है। खिलाड़ियों के परिजनों का कहना है कि भले ही वो मेडल न जीत कर लाए लेकिन यहां तक पहुंचना किसी मेडल से कम नहीं है। बच्चे बहुत वधिया खेडे हैं, ठीक है, हार जीत लगी हुई है सब दी है ना, किसी ने जितना किसी ने हारना तो हैगा।
और बच्चा ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, उम्मीद तो नहीं सी अदा आएंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान के माध्यम से अधिक लोगों को कोरोना बचाव के लिए वैक्सीन लगवा कर सुरक्षित किया जाएगा। इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन ब्रह्म सरोवर के दक्षिण और पश्चिम छोर पर किया जाएगा। इस अभियान के लिए नागरिकों को 10वीं पातशाही गुरुद्वारा साहिब के आगे से प्रवेश मिलेगा। अहम पहलू यह है कि इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाने के लिए दो अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान को लेकर की गई तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि कुरुक्षेत्र में पहली बार ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ शनिवार 7 अगस्त को सुबह 8 बजे से किया जाएगा और इस ड्राइव थ्रू में 10वीं पातशाही गुरुद्वारा वाली सड़क से प्रवेश करना होगा। को 7 अगस्त को एक स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू प्रोग्राम रखा गया है जो कि ब्रह्म सरोवर के ऊपर किया जाएगा, उस एरिया में किया जाएगा। इसमें 5 पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहला पॉइंट एंट्री पॉइंट होगा जहां पे हमारे हेल्थ वर्कर्स और पुलिस वालों की हेल्प से एक पर्ची दी जाएगी जिसमें उनका नाम, फ़ोन नंबर वगैरह लिखा जाएगा। साथ में ये भी पूछा जाएगा कि उनको कौन सी डोज लगनी है और किस टाइप की वैक्सीन लगनी है। जो फर्स्ट डोज के लिए आ रहे हैं उनके लिए और सेकंड डोज वालों के लिए दोनों तरह की वैक्सीन अवेलेबल रहेगी। और यहाँ पे जो कार में बैठे बैठे एंट्री कर उनकी हो जाएगी, पोर्टल पे एंट्री भी होगी और वैक्सीनेशन भी कार में बैठे बैठे हो जाएगी। तो अगली खबर पानीपत से है जहाँ की इसराना विधानसभा के गांव शेरा में बीच सड़क पर महिला ने कार को रोका और कार सवार पर थप्पड़ों से हमला कर दिया। कार सवार युवक महिला से पिटता रहा और अपनी गलती पूछता रहा। इतना ही नहीं, महिला का जब थप्पड़ से मन नहीं भरा तो उसने फोन कर परिवार के सदस्यों को बुला लिया। उसके बाद महिला और उसके परिवार ने लात घूंसे थप्पड़ और क्रिकेट बैट से दोनों युवकों की पिटाई कर डाली। करीब आधे घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। स्कूटी सवार महिला का कहना था कि कार सवारों ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी जिससे वो गिरते गिरते बची। मामला बिगड़ता देख कार सवारों ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। वहीं इस मामले को लेकर सब इंस्पेक्टर दीपक का कहना था कि युवकों का मेडिकल करवाकर दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें एक डायल 112 से इमरजेंसी हेल्पलाइन से कॉल आई थी, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है। जी सूचना पर हम मतलोडा थाना से इस गांव से रहम पहुँचे हैं। जो मुदई है उससे दरखास्त ले ली गई है, मेडिकल वगैरह करवाने के लिए जा रहे हैं। जो जैसी भी कार्रवाई होगी अगर मुल मिलाई जाएगी। वहीं कैथल के श्री 11 रुद्री में मंदिर में सावन शिवरात्रि पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहाँ सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है तो जल अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नजर आई। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर में कोविड-19 नियमों का भी ध्यान रखा गया। आपको बता दें कि इस बार कोरोना महामारी के चलते शिव भक्त कांवड़ यात्रा नहीं कर सके और ना ही भगवान शिव के अभिषेक के लिए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल ला सके। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था के लिए हरिद्वार से टैंकरों में 10,000 लीटर गंगा जल मंगवाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। गंगा जल वितरण की शुरुआत शहर के प्रमुख श्री 11 रुद्री शिव मंदिर से की गई। यहाँ पर श्रद्धालुओं को हरिद्वार का पवित्र गंगा जल दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालु पूरी आस्था से भगवान शिव का जल अभिषेक कर सके। अब की बार कोविड की वजह से कांवड़िए नहीं आ रही, इजाजत दी, इसीलिए हमने गंगा जल मंगवाकर वो कांवड़ियों की कमी को पूरा करने के लिए शिव भक्तों को वो वितरित कर रहे हैं ताकि उनको ये महसूस हो रहे हम वहीं से गंगा जल जाकर और यहाँ चढ़ा रहे हैं और यहाँ पूरा कोविड का पूरा धन ध्यान रख रहे हैं हर चीज़ में और पूरे धूमधाम से शिवरात्रि मना रहे हैं। वहीं करनाल के सूरजनगर में 9 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं ये आशंका जताई जा रही है कि बच्चे को सांप ने काटा है। आपको बता दें कि बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे घर के पास एक डॉक्टर के पास आनंद फानन में लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने बच्चे को टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया जिसके बाद बच्चे की हालत और ख़राब हो गई। बहरहाल बच्चे की तबीयत सांप के काटने से ख़राब हुई या टीका लगाने से, परिजनों को ये भी नहीं पता।
दो रहा मेरे को, मैं पट्टी करवाने के लिए ले तो भी खून बह रहा था, पट्टी करवाने गई तो डॉक्टर कह रहा टेटनस का टीका लगेगा, उसको पट्टी भी कर दी, दवाई भी दी, दवाई नहीं खाई उसने, घर आके बेहोश हो गया आंधे साथ, पैदल चल के गया मेरे साथ, आया भी पैदल घर आंधे साथ, पता नहीं क्या हो गया 10-15 मिनट के अंदर अंदर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।